कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने किचन और क्रिएटिविटी को कंबाइन करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नए करियर्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं इस देश में उसमें से एक करियर जिसे हम कहते हैं केक डिजाइनर या केक डेकोरेटर का आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं सेवन टाइम्स अवार्डेड बहुत अच्छे केक डिजाइन करती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत इनके साथ रही है मिलते हैं मेघा क्वात्रा मदान से तो मेघा ये केक डिजाइनिंग की शुरुआत कब Kaise hui? sir, bohat, accidentally, hui. i was a dentist to begin with. Oh. and i always call myself that uh, i'm a dentist by choice and a baker by chance. so that happened by chance. everything happened by chance. so when i was in, i think 2012, when i got pregnant, there was a little complications in the pregnancy and i had to leave my job. at that time, i was working as a resident in uh, Fortis hospital. so i left my job because, uh, because of some complications in the pregnancy and also mm. when my daughter was born. बॉर्न उसके एक डेढ़ महीने के बाद आई गॉट एपिलेप्सी तो मना कर दिया गया कि अभी डेंटिस्ट्री नहीं कर सकते बिकॉज बिकॉज hmm. मैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे थी थी और तो का चलो तो चलो ठीक है साल की की दवाई चलनी थी मेरी एपिलेप्सी मेरे को सीजर्स होते थे अगर आप प्रोन टू तो सीजर्स हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके अंदर किसी की लाइफ रिस्क पे है अब मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती मुझे स्विमिंग भी मना हो चुकी थी डेंटिस्ट्री तो ऑब्वियसली मना हो चुकी थी बिकॉज हम किसी के यू नो मुंह में काम करते करते क्लाइंट्स हैं पेशेंट्स हैं हमारे आई हैव टेकन अ ब्रेक और मैं घर पे थी कुकिंग में शुरू से इंटरेस्ट था बेकिंग नहीं आती थी तो सोचा तीस साल की उम्र में बेकिंग करते हैं बट वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बहुत सफल डेंटिस्ट की जिंदगी में एक ऐसा एकदम से जो है वो मौका आता है जहाँ पर ऑल ऑफ द सडन आपकी लाइफ से आपका प्रोफेशन आपका करियर छिन गया एंड ऑल ऑफ सडन जो आर मेट विद एन एपिलिप्सी और एनी सच यू नो सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट थिंग and you you find a silver silver lining go ahead ट बोल दीजिए hmm. मैं ना खाली नहीं बैठ सकती ठीक है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है hmm. और चुप भी नहीं रह सकती <laughs> <laughs> तो वो थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा <laughs> तो बस ऐसे ही बच्चा हाथ में था सर उस समय हाँ। और डॉक्टरी छिन गई थी आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ शायद मेरे फेवर में ही हुआ क्योंकि पसंद नहीं था मुझे डेंटिस्ट्री करना ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी मेरी मम्मी को खुश करने के लिए मैं बनी थी बिकॉज मम्मी बनना चाहती थी डॉक्टर वो अपने सर्कम में कभी बन नहीं पाई तो उन्होंने डिसाइड कर लिया मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो अपनी माँ को खुश करने के लिए मैं डॉक्टर बन गई और अच्छी डॉक्टर थी सर ऐसा नहीं है कि खराब डॉक्टर बनी बट uh, जब ये एपिलेप्सी हुई और मुझे बोला गया कि आप अभी डेंटिस्ट्री कंटिन्यू नहीं कर सकते सच मानिए मैं मैं दुखी बिल्कुल नहीं हुई मैं बहुत खुश हुई थी <laughs> बहुत खुश हुई थी अच्छा। और आ, मैंने एक अपरचुनिटी समझी कि ये टाइम है मेरा मतलब अभी एक न्यू बॉर्न बेबी है और मैं उसके साथ वक्त बिता सकती हूँ तो हुँ। फिर वहां से मैंने घर से बेकिंग स्टार्ट करी okay. एक शौकिया तौर पर स्टार्ट करी थी कभी सोचा नहीं था कि ये करियर होगा क्योंकि अगर आप मुझसे दो तेरह में जब मुझे जनवरी में एपिलेप्सी हुई थी mm. तो आ, उस समय अगर आप मुझसे पूछते कि क्या ये करियर होता क्योंकि mm. तब तो ये करियर था ही नहीं mm. किसी को पता ही नहीं था कि केक डिजाइनिंग एक करियर है mm. तो मैंने कभी इस लाइन में जब मैं आई हूं तो मैंने ये सोच के नहीं आई कि अब ये ही मेरा ब्रेड एंड बटर है आई थॉट की एक ब्रेक है इस ब्रेक को मैं यूटिलाइज करती हूँ बेकिंग सीखती हूँ और uh, क्योंकि अपनी बेटी के लिए केक बनाने थे द मेन फोकस वॉज कि मैं अपने बच्चे के बर्थडे पे हर साल एक केक बना सकूं। क्योंकि कुकिंग का तो था ही जैसा मैंने आपको बताया शौक बेकिंग नहीं आती थी तो केक बनाना शुरू मैंने अपनी बेटी की वजह से शुरू किया wow. कभी नहीं सोचा था कि करियर बनाऊंगी और uh, जब करती चली गई uh, बनाती चली गई केक तो मुझे ये रियलाइज हुआ मुझे बेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है मुझे इंटरेस्ट कुकिंग में ही है मुझे बेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है पर मुझे केक डेकोरेशन में इंटरेस्ट है वो जो फॉन्डेंट से एनिमल्स बना देते हैं कुछ भी क्यूट सा बना देते हैं तो उसी में इंटरेस्ट था मुझे तो मेरे को लगा कि मुझे यही करना है और फिर धीरे धीरे मैं जो केक्स बनाती थी फॉन्डेंट के मुझे अपने ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो गए मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स ही मुझे ऑर्डर देते थे कि अरे बहुत अच्छा केक बना रहे हो हमारे लिए भी बना दो hmm. तो उनके लिए बनाना शुरू करा फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे कोर्सेज करे क्योंकि इंडिया में कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कराता केक डेकोरेशन का बेकिंग hmm. के हैं पेस्ट्री शेफ डिप्लोमा हैं अवेलेबल हैं बट केक डेकोरेशन को ध्यान में रखते हुए कोई कोर्सेज नहीं है तो यूट्यूब से मेरे पास मेरे पास कुछ मैंने इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस ली थी बैक देन बहुत ज्यादा नहीं होती थी जब मैं टू थाउजेंड की बात कर रही हूँ तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते थे वो देख के मैंने सोचा मुझे ये करना है और प्रैक्टिस करके ही मुझे लगता है वर्क फॉर मी प्रैक्टिस से ही चीजें तो हर बार आप नया केक करती हाँ। रही और वो जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे यही करना है okay. क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी मैं किसी का रूट कैनाल करती हूँ अगर कोई थैंक यू नहीं बोलता देखो डेंटिस्ट से सब नफरत करते हैं <laughs> कोई अपने डेंटिस्ट को पसंद नहीं करता है पर जब मैं बहुत सुंदर केक बनाती थी तो बड़े खुश होते थे वो जो खुशी दिखती थी ना कि यू आर अ पार्ट ऑफ समीज सो बस यही मन कर रहा था कि यही करता है ना और घर से बैठ के कर सकता है सो so दैट right. अपनी बेटी को छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं जाना होगा और समथिंग आई कैन डू एट होम उन अपनी बेटी के साथ रहते हुए तो फिर मैंने ये करियर तब चुना आई थिंक टू एंड या के आसपास मैंने सोचा दैट मैं यही कंटिन्यू करना चाहती हूँ आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री ग्रेट तो आपने uh, इस ऑपरचुनिटी एक क्राइसिस को आपने ऑपरचुनिटी में कन्वर्ट कर लिया

पता नहीं था उस समय कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे पर खुशी बहुत थी कोई एक ऐसी चीज मैं बहुत खुश होके कर रही थी मुझे इसमें पता नहीं था कि कितना पैसा आएगा मतलब करियर तो हम तब चूज करते हैं ना जब हमको ये पता है कि हम उसमें कमा क्या सकते हैं वो एक्टिविटी यही, यही है जो हाँ। मैं इतनी खुशी मिलती है मुझे इसको करके बहुत मजा आता है हाँ। मैं घंटों कर सकता हूँ समय उड़ जाता है पता नहीं चलता है अगर वही एक करियर में तब्दील हो जाए तो आपकी जैसी जिंदगी हो जाएगी उससे बेहतर कुछ नहीं है मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं काम वो करो

बस hmm. चाह होनी चाहिए दे नीड टू बी कंसिस्टेंट उनको चूज करना है कि क्या चीज़ उनके लिए काम कर रही है hmm. क्या नहीं कर रही है स्किल देख देखें सब आ, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है आई अंडरस्टैंड दैट एंड मेरे लिए भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ डॉक्टर हूँ बट आज की डेट में शायद वट एवर आई एम अर्निंग मैं कला से अर्न कर रही हूँ hmm. मेरी डिग्री से अर्न नहीं कर रही हूँ मेरी hmm. कला से अर्न कर रही हूँ hmm. जिस दिन चाहे फीमेल्स हैं हाउसवाइफ्स हैं फॉर दैट मैटर कोई भी एक रफ फेस से गुजर रहा है जहां पर एक जमी जमाई नौकरी उनसे ले ली जाए hmm. चाहे वो प्रेगनेंसी में हो या चाहे किसी बीमारी से हो hmm. मेरे साथ तो दोनों चीजें इकट्ठे थी right. तो अगर ऐसा है तो रास्ते रुकते नहीं है hmm. रास्ते खोजने पड़ते हैं मुझे लगता है hmm. और अगर चाह है तो वहां राह भी है Beautiful. और अगर आप अपनी स्किल्स uh, पे oh. उस समय फोकस करें या एक छोटे से कोर्सेज कर लें hmm. आपको किसी में इंटरेस्ट है आप वो जाके कोर्स कर लें शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकता hmm. है अब तो सबसे लॉकडाउन uh, के बाद वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं तो

और अब उसके लिए आपको पेंटर होने की जरूरत नहीं है उसके लिए आपको कोई स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होने की जरूरत नहीं है कि कोई क्ले uh, मतलब पॉटरी करते हैं या अगर आपको इन सारी चीजों में जैसे कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है एंड इफ यू हैव बीन गुड किसी भी चीज में पेंटिंग में या कुछ में इसका मतलब है कि आपका हाथ सदा हुआ है ओके okay. आपका हाथ को आपको स्ट्रोक्स करने आते हैं आपको मोल्डिंग है. करनी आ सकती है hmm. तो आपके लिए ये करियर बहुत अच्छा Beautiful. है ब्यूटिफुल आप अगर आपको लगता है कि आप एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते हैं तो मत करिए okay. फिर कुछ और देखिए क्या पता आप आ, बोलने में बहुत अच्छे हैं right. आप कुछ ब्लॉगर्स बन सकते हैं hmm. आजकल तो करियर अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं बट अगर आपको लगता है आपके अंदर जरा सी भी क्रिएटिव स्किल है hmm. तो आप ये लाइन चु, चुन सकते हैं करेक्ट है तो आपने कहा कि अगर आप सीधी लाइन खींच सकते हैं और आपके हाथ में स्टेबिलिटी है हाँ। तो आप जो है इस करियर को जरूर देख लीजिए और अगर पास में कहीं कही ना कहीं आपने किसी ना किसी किस्म का आर्ट एंड क्राफ्ट किया है किया हुआ है तो ये दैट विल गिव यू एन आईडिया कि आपका इंटरेस्ट uh, है कि नहीं है क्योंकि ये है तो क्रिएटिविटी exactly जैसे कि बहुत सारे बच्चे या लॉट ऑफ विमेन आर वेरी गुड विद मेहंदी मेहंदी अरे वो तो अमेजिंग करते हैं केक में हाँ। जो मेहंदी का कौन मैं नहीं पकड़ सकती <laughs> मेरे से वो तो वो पकड़ा ही नहीं जाता मतलब मेरे ना सर देखिए हम जब हाथ की कला की बात करते हैं तो हमारी रिस्ट का मूवमेंट होता है हमारे हैंड्स का होता है हैंड्स का ना बचपन से करा दिया जाता है जब पेन पकड़वाते हैं इंडिया में अगर आप फॉरिन कंट्रीज में देखे बच्चे पेन भी अलग तरीके से पकड़ते हैं हमारे जैसे नहीं पकड़ते दिस इज अक परफेक्ट वे अपने उंगली को और अपनी फोर फिंगर और थम को यूज

आज की डेट में जब मैंने 2013-14 में स्टार्ट किया था तब तो मुझे लगता था कि आपको एक क्रिएटिव होना जरूरी है hmm. आपके हाथों में कला होनी जरूरी है क्रिएटिव hmm. माइंड होना भी Correct. जरूरी है इमेजिनेशन आई थिंक पर आज की डेट में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं जो मैं स्ट्रगल करती हूं कभी कभी yeah. आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएशन होना भी जरूरी है बना तो हर कोई लेता है बेचना भी आना चाहिए सब कुछ सोशल मीडिया पे है. है तो मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए बेचने की कला भी आनी चाहिए hmm. मुझे ऐसा लगता है hmm. बना तो हर कोई लेता है hmm. पर बेचना भी आना चाहिए सोशल मीडिया पे hmm. तो अगर आप सोशल मीडिया पे आपको लगता है आप गुड कंटेंट क्रिएटर हैं तब सोने पे सुहागा है क्योंकि तो आप कुछ भी बनाएंगे आप उसको बेच सकते हैं right. तो लेकिन इमेजिनेटिव होना जरूरी है बिल्कुल होना जरूरी है सर बिल्कुल hmm. जरूरी है क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उन दिनों में ऑर्डर आते थे मुझे पहली बार एक ऑर्डर आया माशा बियर का अच्छा तो मुझे पता अच्छा ये भी कुछ है ऑगी द कॉकरोच मुझे पत, हमारे जमाने के नहीं है ना सर ये हाँ। और उस समय मेरी बेटी इतनी छोटी थी कि वो देखती नहीं थी मैं तो मिकी माउस डोनाल्ड डक के जमाने की हूँ तो लिटरली मुझे गूगल करके ऑगी द कॉकरोच देखना पड़ा कि बहुत ही एक अगली सा क्रिएचर है बच्चों को बड़ा पसंद है, तो वो बनाना है। पर बनाया मैंने तो इमेजिनेटिव होना तो बहुत जरूरी है कि प्रोपोर्शंस uh, आना चाहिए कि आप कितना केजी का केक बना रहे हैं क्लाइंट तो ताजमहल मांग लेता है एक किलो के केक में आप डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं तो उसमें आपकी इमेजिनेशन काम आएगी कि आप क्या क्या रख के दे सकते हैं क्या प्रोपोर्शंस होने चाहिए कितना बड़ा केक है उसपे कितनी छोटी फिगरीन होनी चाहिए कितनी खूबसूरती से उसको रखना है करेक्ट। ऐसे नहीं रख देना है mm. उस पर आराम से ऐसे रखना mm. हो बाहर तो होना बहुत जरूरी है करेक्ट है तो एक, एक मिथ ये भी है बहुत सारे बच्चों में कि उनको लगता है कि अगर मुझे एक अच्छा केक डेकोरेटर या केक डिजाइनर होना है तो मुझे अच्छा बेकर भी होना चाहिए क्या ये जरूरी है सर देखिए आजकल डिजाइनर केक्स का डिमांड है बहुत डिमांड है हर किसी को अपनी पार्टी में क्योंकि हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं अब तो डिमांड और बढ़ गया है सबको अपनी पार्टी में एक खूबसूरत सा दिखने वाला केक चाहिए होता है बट अल्टीमेटली खाना है वो केक hmm. रखना तो नहीं है शो पीस खाना है तो अगर आपको बेसिक बेकिंग आती है hmm. और आप एक अच्छा सा केक निकालना जानते हैं मैं भी आजकल मैं भी वही करती हूँ मैं बहुत एक्सपेरिमेंट <laughs> नहीं करती हूँ hmm. मैं भी आ, मेरे भी दो तीन बेसिक फ्लेवर्स हैं चॉकलेट वनिला रेड वेलवेट इसी की डिमांड होती है और मेरी पूरी केक डेकोरेशन इसके अराउंड है okay. तो मैं बेसिक केक अच्छे बनाना सीख गई हूँ आइसिंग अच्छी सीख गई हूँ कि केक खाया तो कम्प्लेन नहीं आई कभी पर Skills इतनी बेहतर अच्छा hmm. तो अच्छा बेहतर केक अच्छा बनाना जानते हैं पर डेकोरेशन बहुत अच्छी जानते हैं तो आप बहुत कमा सकते हैं बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया इनफैक्ट you know, मेघा अभी हाल ही एक फ्रेंड है उनकी वाइफ जो है वो बाहर से कुछ think, केक डिजाइनिंग का कोर्स करके आई है अमेरिका में कहीं से अच्छा वो बेकिंग बिल्कुल नहीं जानती हैं। okay. लेकिन उसके साथ भी वो बहुत अच्छा केक डिजाइनर जो है अपना करियर चला रही है दिल्ली शहर में जहां पर ओबर okay. और ऐसे कई बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ से उनको सिर्फ केक डिजाइन करने के लिए बुलाया जाता है हाँ. और एक सिंगल केक को डिजाइन करने का वो पांच हजार से दस हजार रुपए तक चार्ज करती हैं राइट आप बताइए सब एक्चुअली क्या होता है ना जब हम केक डिजाइनिंग की बात करते हैं केक डिजाइनिंग पर डिफरेंट है रेगुलर बेकरी के केक से हम वहीं से कंपेयर करेंगे जी जी सो रेगुलर बेकरीज में ज्यादातर विप्ड क्रीम के केक्स होते हैं आजकल डिमांड चेंज हो गई है हम जब फॉन्डेंट की बात करते हैं केक डेकोरेशन की बात करते हैं तो फॉन्डेंट और व्हिप्ड क्रीम साथ में नहीं जाता है राइट right. आप व्हिप्ड क्रीम जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट मीडियम है उसके ऊपर hmm. फॉन्डेंट का काम नहीं कर सकते टेम्परेचर इंडिया में तो हम गर्मी में रहते हैं जी. तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि केक hmm. डेकोरेशन के लिए हमारे पास थोड़े से लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बट अगर हम उन लिमिटेड रिसोर्सेस में बहुत अच्छा केक बना सकते हैं तो आप अच्छा कमा भी सकते हैं right. क्योंकि विपड क्रीम के केक्स में आप एक पर्टिकुलर लिमिट uh, तक ही चार्ज कर सकते हैं hmm. जब ज्यादा डेकोरेशन ही नहीं कर सकते hmm. तो आप चार्ज क्या करें एक्टली exactly. पर जब आपने केक डेकोरेशन में चले गए बेकिंग hmm. से हटके केक डेकोरेशन में चले गए hmm. जहां पर आप डिजाइनर केक्स बना रहे हैं hmm. जहां पे फॉन्डेंट आपका मीडियम है यू कैन चार्ज मोर क्योंकि जैसा क्लाइंट डिमांड uh. करेगा आप वैसी ही चार्जिंग उससे ले सकते हैं जैसे है. हम लोग क्या करते हैं हम बेसिक प्राइस होता है जैसे टू दो हजार रुपए किलो टू थाउजेंड रुपीज के जी से अगर कोई बेकर स्टार्ट करता है आगे जरूर लिखे प्लस डिजाइनिंग hmm. क्योंकि अगर एक लाइन को दो हजार रुपए किलो का दो किलो का फॉर एग्जाम्पल केक चाहिए बट उसको सिर्फ एक फूल चाहिए एनिवर्सरी का केक है एक छोटा सा केक चाहिए प्र, प्रिटी लुकिंग hmm. आप उसमें शुगर फ्लावर्स लगा दीजिए या कुछ तो आप उसमें चार हजार तो केक का हो गया दो किलो के केक का पांच सौ रुपए फूल का ले लिया डिजाइनिंग का ले लिया आप साढ़े चार हजार में वो दो किलो का केक दे सकते हैं hmm. पर अगर कोई क्लाइंट आपसे ये कहता है मुझे दो किलो का केक चाहिए बट मुझे उस पे एक सोफा चाहिए उसमें मेरे पति बैठे हुए हुए हों हों सामने टीवी है वो लेटे हुए वहां के, गुची के सारे बैग्स पड़े हो रिमोट कंट्रोल हो कार हो जब इतने सारे एलिमेंट्स hmm. दो किलो के केक पे हैं तो प्राइस तो सेम नहीं हो सकता hmm. फिर आप डिजाइनिंग में उसी क्लाइंट से दो या तीन हजार रुपए एक्स्ट्रा लेंगे बिकॉज आपने टाइम ज्यादा स्पेंड करा तो मटीरियल कॉस्ट भी है मटीरियल कॉस्ट तो डेफिनेटली अगर hmm. आप कोई चीज बना रहे हैं hmm. अगर पांच फिगरीन जारी है राइट right. तो मटेरियल तो डेफिनेटली ज्यादा हुआ तो मटेरियल hmm. कॉस्ट भी है बट मैक्सिमम लोग ये नहीं समझते हैं टाइम जितना टाइम आपने उस पर लगा दिया है टाइम इज मनी एग्जैक्टली exactly. तो, तो आप चार्ज करिए हाँ। हाँ। कर तो किलो का केक जो मैं बोलना चाह रही होता exactly. बेकरी में हर दो किलो का केक सेम हो सकता है right. हर दो किलो का केक सेम प्राइस का नहीं दे सकता डिपेंड करता है डिजाइनिंग क्या चाहिए ब्यूटिफुल एक और जो नो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो केक डिज़ाइनिंग करियर है ये हम छोटे शहरों में या घर बैठ के आ, नहीं चला सकते आपका क्या कहना है इस पर सर चला सकते हैं अच्छा मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं बहुत छोटे शहरों से आते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स की कोई चैलेंज नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं है मैदा चीनी कोको पाउडर हर जगह मिलता है आजकल एक बेसिक केक बनाने के लिए हर जगह मिलता है जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी फॉन्डेंट हर जगह नहीं मिलता था hmm. आजकल फॉन्डेंट अमेजोन पे मिलता है wow. अगर अमेजोन पे है अगर आप डेली में अपना इंस्टामार्ट और जो भी चेक करेंगे फॉन्डेंट मिनट में घर पे आ रहा है आजकल oh, awesome. कुछ ब्रांड्स ने डाल दिया है अच्छा सो so, अब तो अवेलेबिलिटी हर जगह है तो एक छोटे शहर में अगर फॉन्डेंट मंगाना हो आ जाएगा आराम से आएगा कितनी मर्जी तरह से आराम से कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है डिलीवरी की तो वो मैं ऐसे ही समझाती हूँ अपनी क्लास के अंदर कि आपको शायद फोंडेंट मुझसे पचास रुपए महंगा मिले आपकी कॉस्टिंग उस हिसाब से होती है हाँ तीन चार पाँच हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप अपना केक डिजाइनिंग में करियर स्टार्ट कर सकते हैं हाँ जी तो आई थिंक इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता तीन चार पाँच से शुरुआत कर सकते हैं फिर जितना डीप जाएंगे जितनी चीजों में अब आ, वही क्लाइंट की डिमांड के ऊपर होता है उसको जितनी चीजें केक पे लगवानी है आप धीरे धीरे ऐड करते जाए right. मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती कि एक साथ सारा सामान खरीदो hmm. शुरुआत करो अच्छा hmm. लगे तब आगे बढ़ो करेक्ट है तो एक केक डेकोरेटर के लिए अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो किस तरह के करियर एवेन्यूज अवेलेबल हैं एक तो आपने कहा कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं यू कैन बी एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम अपने घर से आप जो है केक डेकोरेट करना yeah. शुरू कर सकती हैं उसके अलावा और क्या क्या करियर एवेन्यूज हैं सबसे पहले तो करियर बहुत अच्छा है hmm. क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को लगता है ऑर्डर्स नहीं आएंगे hmm. मैं तो बोलती हूँ हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि उसी का फायदा उठाओ hmm. हर हर घंटे बच्चे पैदा हो रहे हैं <laughs> <laughs> जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके बर्थडे मनते हैं एनिवर्सरीज होती हैं और आजकल तो छोटी छोटी चीजों पे ब्रेकअप पे भी केक कटिंग हो रही है right. हर इवेंट पे केक मंगाया जा रहा है जो ब्रेकअप पे, हो पे भी लोग केक कटिंग कर रहे हैं सर आते हैं मत पूछिए <laughs> कमाल है इस तरह के कैसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं जहां पर अब केक कटिंग हो रही है प्लीज प्लीज, प्लीज शेयर विद मी सर व्हेन आई स्टार्टेड तब तो बर्थडेस एनिवर्सरीज वेडिंग इन सब के मेनली ऑर्डर्स आते थे hmm. फिर स्टार्ट हुआ था कल्चर बैचलर्स केक का okay. तो बैचलर्स पार्टी की पार्टी है, है चाहे बैचलर्स का इवेंट है या पार्टी है okay. और हेंस पार्टी बड़े बड़े तो उसके अंदर उनको केक्स चाहिए होते थे वो ऐसे केक्स होते थे कि हम अपने पेज पे नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो बेसिकली थोड़े से अलग किस्म के केक्स होते थे एडल्ट केक्स बोल okay. सकते हैं हम उनको okay. तो उसका बहुत डिमांड आया hmm. फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन सेरेमनीज कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है तो प्रपोजल hmm. right. पे भी बहुत डिमांड hmm. आती है आजकल न्यू ईयर पे आती है hmm. और अब क्या हो गया है कि इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं कि आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप केक भी है और मेकअप केक भी है ब्रेकअप केक भी है और मेकअप केक भी है wow. हर तरीके का केक है हर हर ओकेजन के लिए केक है डिवोर्स पार्टीज के लिए भी केक है डिवोर्स केक्स भी हैं। डिवोर्स केक्स भी हैं। <laughs> Wow. देखिए सब हमारा काम है केक देना uh, मनाना और उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं so, क्या ओकेजन है जो वो so, सेलिब्रेट का दिमाग खुल जाएगा डिमांड कि कितनी ज्यादा है बहुत है बहुत है, hmm. बहुत है. एक एवरेज हाउसवाइफ जब अपने घर से ये करियर स्टार्ट करती है और सर मैं अपने को एक एवरेज हाउसवाइफ बोलूंगी जब मैंने डेंटिस्ट्री छोड़ दी देखिए ये मैं क्योंकि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं है हुँ, हुँ, मैं घर पे थी मैं कंप्लीटली होम रिडन थी आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर वहां से मैंने एक स्किल उठाया है मैंने वहां से केक बनाना स्टार्ट किया केक बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ मुझे केक डेकोरेशन करनी है हुँ, हुँ, मुझे डिजाइनर केक्स करने हैं तो अगर मैं बोलूं कि एक तीस साल की उम्र में जिसका मैंने कोई जिससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं करी है जिससे रिलेटेड कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली है बट अगर मैं उसमें अपना करियर बना सकती हूँ और मैं ऑर्डर्स ले सकती हूँ मुझे बहुत ऑर्डर्स मिले हैं मैंने बहुत काम किया है पिछले आठ सालों में और इवेंचुअली अब मैं टीच करती हूँ तो टीचिंग भी एक करियर ही हो गया बिल्कुल टीचिंग भी एक करियर है आपने कहा क्रिएट कर सकते हैं आप जब डिजाइन कर रहे रहे हैं हैं केक बना रहे हैं, तो आप इसको शूट पे कर पे रहे हैं। हाँ, अब आप तो ये तो सर पिछले तीन चार सालों में होना स्टार्ट हुआ है कि hmm. अगर आप क्योंकि डिमांड है किसी भी तरह के ज्ञान की hmm. सोशल मीडिया पे hmm. तो अगर आप छोटी छोटी वीडियो स्निपेट्स यूज कर रहे हैं और hmm. कुछ सिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके व्यूज बढ़ते हैं mm. अगर आपको केक डेकोरेशन में नहीं जाना आपको सिर्फ बेकिंग करनी है आप रेसिपीज शूट करिए अपने पेज पे डालिए mm. आपको मिलियंस ऑफ व्यूज मिलेंगे एंड देन यू वी ऑल नो दैट यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट द मिलियन व्यूज यू कैन यूज दैट फॉर योर एडवांटेज लेटर ऑन टू अर्न मनी और मोनिटाइजेशन

Uh, एक अच्छा केक डेकोरेटर या केक डिज़ाइनर बनने के लिए या फिर एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए या एक अच्छा लॉयर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है यू नीड टू लव योर जॉब एक पैशन होना चाहिए जो hmm. आप कर रहे हैं hmm. और कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट hmm. है बीच में थक के छोड़ दिया hmm. और ब्लेम करा कि ये करियर वर्क नहीं कर रहा ah. वो काम नहीं करता है Correct. आपको छोड़ना नहीं है आपको करते रहना है hmm. और करियर काम करेगा करियर तब काम करेगा जब आप काम करोगे तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि कोई भी बिजनेस हो hmm. कोई भी लाइन हो सर कोई hmm. भी आज एक राशन की भी दुकान है एकदम से नहीं चलेगी hmm. उसको थोड़े दिन तो मक्खी मारनी पड़ेगी बैठ के hmm. बट जाना नहीं छोड़ना है शॉप को खोलना नहीं बंद करना है मैं Correct. ये बोलती हूँ ah. तो अगर ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं अपने फ्रेंड्स uh, के लिए बनाओ अपने रिलेटिव्स के लिए बनाओ hmm. और अपने पेज के लिए बनाओ hmm. ये मैं स्टूडेंट्स को जरूर बताती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है अगर ऑर्डर्स नहीं है तो वर्ड ऑफ माउथ से और ऑर्डर्स आते हैं बट अगर आप अपने सोशल मीडिया के लिए भी कोई पेज बना रहे हो पेज right. पे कुछ केक uh, बना रहे हो तो सोशल hmm. मीडिया भी वर्ड ऑफ माउथ का ही काम करता है जो मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं ना hmm. वहीं से ऑर्डर्स भी आएंगे hmm.

तब मैं इतनी पैशनेट नहीं थी कि मुझे इसको इसको uh, कमाई का जरिया बनाना है hmm. कभी सोचा नहीं था ये कमाई का जरिया बनेगा hmm. uh, तब मैं कैजुअली कर रही थी hmm. पर जब मैं सीरियस हुई इस प्रोफेशन के लिए uh, तो स्टार्टिंग आप बोल सकते हैं कि टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ तक आया देर वॉज अ टाइम वैन इट हैज़ रीच्ड वन वन एंड हाफ लाख टू पर मंथ एज़ वेल डिपेंडिंग हाउ मनी केक्स यू कैन डू हाउ मेनी केक्स यून केट अ आपने और कितनी डिमांड है तो पहले तो डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट में कि हम जी. बहुत अच्छे बेकर है हम काम अच्छा करते हैं ऑर्डर आएंगे तो जितने ऑर्डर आएंगे आप उतना डिलीवर कर सकते हैं घर के जो हाउस वाइज है हम मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो घर से केक डेकोरेशन एज अ करियर चलाना चाहते हैं hmm. तो उनको मैं ये बोलूंगी कि अगर काम अच्छा चलने लग गया और आपको अगर दस दिन में तीन ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसका मतलब है कि अच्छा है hmm. तो अपने लिए एक डेजिग्नेटेड स्पेस बनाएं घर के अंदर hmm. और अपना एक टाइम uh, टेबल बनाएं कि आपको कब कब कैसे डिवाइड करना है काम को uh, ये सब हम क्लास में बताते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आगे ऑर्डर्स लीजिए hmm. अगर आप महीने के uh, 25 से 30 केक्स कर रहे हैं तो यू आर इन अ गुड पोजिशन वेरी गुड पोजिशन और अगर किसी स्टूडेंट को ये फुल फ्लेजेड एज एन आंट्रप्रिन अपना केक डिजाइनिंग केक डेकोरेशन का स्टूडियो खोलना हो huh. तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं और किस तरह के इनकम्स हैं? इनकम इनकम तो स्काई इज द लिमिट या या स्पेस दे नीड टू हैव अ डेजिग्नेटेड दे नीड टू हैव अपने पास लोग होने चाहिए जो काम कर सकते हैं उनके साथ और स्टाफ रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप स्टूडियो बना रहे हैं तो फिर क्लाइंट्स आएंगे जब आप घर से काम करते हैं तो आप ऑर्डर फोन पे लेते हैं अगर आप एक फिजिकल स्टूडियो बनाते हैं तो आपको क्लाइंट्स को भी वेलकम करना है तो इंटीरियर्स पर भी खर्चा करना पड़ेगा और फिर सर देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि डिमांड कैसी है आपकी अगर डिमांड अच्छी है तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी आप अच्छे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा अवन बड़ा ओवन ले सकते हैं बड़े आ, प्रोसेसर्स ले सकते हैं मिक्सर्स ले सकते हैं टेबल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ग्रेजुअली हो जाता है मेरे साथ भी हुआ है ये कि कब घर की एक कमरे के अंदर एक टेबल पे जब मैं शौकिया केक बनाती थी टू तो रीच टू तो रीचिंग दैट लेवल वेर एन आई हैव स्टूडियो तो ये ग्रेजुअली हुआ और हुआ और ये सब कब हुआ जब डिमांड बढ़ी hmm. अब जब मैं बिकॉज ऑफ अगेन मेडिकल रीजन्स फॉर सम पर्सनल मेडिकल रीजन्स मैं अब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं कर सकती तो वो भी डिमांड hmm. के साथ हुआ कि लोग सीखना चाहते हैं तो फिर अब सिखाने में लग गए हैं hmm. तो अब स्टूडियो ऑर्डर के लिए नहीं है तो स्टूडेंट्स के लिए है तो ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं आपका करियर कर्व जो होता है वो सारा का सारा डिमांड के ऊपर है जैसी डिमांड है आप वैसा केटर करेंगे और डिमांड हमेशा आप क्रिएट कर सकते सर, हैं अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आप अच्छा, सर मीडियोकर बेकर जो बहुत अच्छा केक नहीं बना रहे हैं ना उनके लिए भी डिमांड है दे आर ऑल्सो गुड मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ इस समय लाखों बेकर्स हैं इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ देम जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको और अलग तरह की डिमांड है और वो अगर आपकी स्किल अच्छी है आप चार्ज ज्यादा कर सकते हैं राइट अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी नहीं है आप एक एक मीडियोकर केक बना रहे हैं ना आप तब भी अर्न कर सकते हैं तब भी बहुत आ, फीमेल्स हैं मेरे आ, बहुत मेरे को डे टू तो डे लाइफ में फीमेल्स मिलती हैं मेरे पास एक्चुअली ज्यादा क्या तर, ये करियर सिर्फ फीमेल्स के लिए है? नहीं 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 ज्यादा बार बार फीमेल्स आई नो आई नो क्योंकि शुरुआत में हम लोग हाउस वाइफ के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे पास बहुत मेल आयुष भी जो है ये करियर बना सकते हैं अपना बिल्कुल बना सकते हैं अगर yes. आयुष को थोड़ी सी भी लाइन सीधी खींचनी आती है तो बना सकते Excellent. हैं तो so, ये ये सब क्रिएटिविटी है right. पहले लोग बोलते थे मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ फीमेल्स बनेंगे आजकल मेल्स हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट सर दुनिया के सारे बेस्ट शेफ बोलना नहीं चाहिए बेस्ट तो नहीं ज्यादातर फेमस शेफ मेल्स हैं फीमेल्स आर डूइंग एज वेल बट बेकस भी हैं मेल mm -hmm. और हम यहाँ पे बेकर्स की बात नहीं कर रहे हैं मतलब केक हम केक डिज़ाइनर की, की बात कर रहे हैं बहुत मेल्स आते हैं मेरे पास बहुत बहुत लड़के आते हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं Wonderful. बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे नाइस गुड nice. तो मेघा अगर हम जैसे आपने कहा कि अगर जो इंडिया का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो जो टेम्परेचर हैं वो थ्रू आउट द ईयर जनरली अबाउट 25-30 डिग्रीज रहते हैं तो फॉन्डेंट के साथ जो है वो किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं सब फॉन्डेंट के चैलेंजेस ज्यादातर हमको बारिशों में होता है okay. सबसे ज्यादा चैलेंज फॉन्डेंट में ह्यूमिडिटी uh, में होता है hmm. गर्मियों में हम एसी में काम करते हैं क्योंकि कोई भी पेस्ट्री शेफ़ है या बेकिंग है या केक डिजाइनिंग है हमको एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे ट्वेंटी से ट्वेंटी डिग्रीज के टेम्परेचर पे हम काम करते हैं सर्दियाँ अच्छी होती हैं सर्दियों में दिल्ली में हम रहते हैं तो सर्दियां तो अच्छी बहुत ही अच्छी होती हैं हमारे लिए एसी काम नहीं करते खर्चा भी कम हो जाता है हमारे लिए <laughs> क्योंकि एसी नहीं चलाना पड़ता नेचुरली वो टेम्परेचर हमारे right. को मिल जाता है ठंडा बरसातों में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फॉन्डेंट जो है फॉन्डेंट इज अ शुगर पेस्ट और शुगर हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मॉइस्चर अब अगर एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर है हम कितना बचा लेंगे तो बारिशों के दिनों में अगर 100 परसेंट ह्यूमिडिटी है एनी एनी ह्यूमिडिटी वेयर बिटवीन 80 टू 100 परसेंट हम लोगों को फॉन्डेंट केक पे चिपचिपापन आ जाता है hmm. क्योंकि फॉन्डेंट ने मॉइस्चर uh, अट्रैक्ट कर लिया है hmm. मॉइस्चर आ गया है तो ऐसे में बहुत स्ट्रांग एसी में काम करना है और uh, uh, जैसे ही केक बन जाए कार्डबोर्ड के डब्बे के अंदर डाल देते हैं हम ताकि हम बेसिकली हम ह्यूमिडिटी से uh, बचा, बचा रहे हैं अपने फॉन्डेंट केक को और जस्ट बिफोर डिलीवरी जैसे अगर हमको छः बजे हमारे क्लाइंट ने पिकअप करने आना है केक को तो हम कोशिश करेंगे हम पाँच बजे केक फिनिश करें hmm. मतलब पाँच बजे तक कर दें फिनिश uh, ये नहीं कि हमने सुबह फिनिश कर दिया और रुक गया क्योंकि जितने घंटे वो रहेगा केक

बेसिकली मॉइस्चर प्रिवेंशन है right. तो हम खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं और जो लोग बहुत रेगुलरली केक्स बनाते हैं फॉन्डेंट के हम डिजाइनर केक्स की बात ही sure. कर रहे हैं यहाँ पे तो जो उन्होंने दे हैव इन्वेस्टेड एज वेल तो आप एक कमरे को डीह्यूमिडिफायर कंडीशन में रख के भी केक आपका सेफ रहेगा फिर अच्छे से पैक करके आप क्लाइंट को दीजिए और उनको ये जरूर बता दीजिए जितनी देर बाहर रहेगा ये चांसेस हैं। एक डीमिडिफायर की क्या कॉस्ट होती है डिपेंड uh, करता है हम कितना बड़ा ले रहे हैं मेरे ख्याल से मैंने खरीदा नहीं है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे आठ uh, हज़ार से स्टार्ट होना चाहिए okay. एक छोटा बड़ा तो फिर आपके स्पेस के ऊपर है Correct. जैसे हम लोग एयर प्योरीफायर लेते हैं इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं काफ़ी लोग ना छोटे ड्यूमिडिफायर्स भी लेते हैं जो एक कबर्ड के लिए काफ़ी है तो right. हमारी लाइन के अंदर केक डेकोरेटर्स में हम एक बहुत ही एक अच्छी लाइन और है आ, शुगर फ्लार्स hmm. मैं भी बहुत शुगर फ्लार्स बनाती हूँ द लुक रियलिस्टिक क्योंकि अगेन uh, uh, ये भी एक बड़ा ऑप्शन है क्योंकि फ्लावर खूबसूरत लगते हैं किसी भी केक पे अच्छे लगते हैं वेडिंग केक्स हैं एनिवर्सरी केक्स हैं तो फ्लावर्स तो अच्छे लगते हैं बट लोगों को ये नहीं पता है कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस इन नेचर होते हैं oh. अगर आप केक पे लगाते हैं और फिर वो केक कटिंग होती है पॉलिज जाते हैं छोटे uh, कीड़े भी होते हैं जाते हैं इतना ध्यान से कोई नहीं करता आइडियली आपको रियल फ्लावर्स अपने केक्स पे नहीं लगाने चाहिए okay. बहुत लोग लगाते हैं बेकरीज में भी लगाते हैं केक डिजाइनर भी लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल बेबी ब्रेथ वो जो बड़ा खूबसूरत सा दिखने वाला फ्लावर है uh, छोटे छोटे होते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स की yeah. तरह यूज होते yeah. हैं बुखे में दैट इज अ वेरी पॉइजनस फ्लावर और वो मैंने इतना देखा है लोगों को केक पे लगाते हुए आपको नहीं पता आपका किसको पॉइजन हो जाए किसका hmm. कभी नुकसान hmm. हो जाए पेट खराब हो जाए right. तो फिर ऐसी चीज देनी क्यों है क्लाइंट को सो इसीलिए डिमांड स्टार्ट हुई शुगर फ्लास की hmm. अब फ्लास तो चाहिए केक को सुंदर बनाने के लिए तो हम लोगों ने शुगर फ्लास बनाने स्टार्ट करे okay. तो अगर आप अ, मेरे पेज पे जाएंगे तो मैं बहुत शुगर फ्लास बनाती हूँ मुझे बहुत पसंद है शुगर फ्लास बनाने तो ये पूरे वर्ल्ड का शिफ्ट हुआ शुगर फ्लास की डिमांड बढ़ी आज इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे केक आर्टिस्ट हैं जो ना केक ऑर्डर लेते हैं ना केक बनाते हैं ना फॉन्डेंट से केक कवर करते हैं ना डिजाइनिंग करते हैं सिर्फ बनाते, फ्लास बनाते हैं।, हैं तो बाकी के बेकर्स उन शुगर फ्लोरिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन सेल देयर शुगर फ्लावर्स और हम बेसिकली आपस में होता है कि मैंने कोई क्लाइंट का को ऑर्डर लिया थ्री टू टीयर या फोर टीयर केक है Uh, और मैंने पूरा डिजाइन कर दिया अब मुझे शुगर फ्लावर चाहिए मेरे पास या तो मेरे पास टाइम नहीं है या स्किल नहीं है क्योंकि शुगर फ्लावर एक अलग स्किल सेट है यू कैन ऑर्डर देम यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अ शुगर फ्लोरिस्ट एंड अपने केक पे लगा के दे Beautiful. सकते हैं एट लीस्ट आप एक क्लाइंट को सेफ केक दे रहे हैं ऑफ कोर्स कॉस्ट तो बढ़ेगी कॉस्ट तो डेफिनेटली बढ़ेगी पर आप कमा भी सकते हैं स्किल्स से अच्छा जाते जाते मेघा कोई बहुत ही चैलेंजिंग केक आ, आपके पास आया हो जिसे बनाने में आपको लगा हो कि ओह oh माय गॉड चैलेंजिंग केक ऑनेस्टली नहीं आया अच्छा चैलेंज मतलब मैंने चैलेंजिंग नहीं लिया मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड केक्स करे हैं लाइफ में हुँ. मुझे मजा आता है जितना चैलेंजिंग आता है ना मेरे को मजा आता है करने वाँ. में कि ये तो करना है तो ऐसा कोई so, आप के पर... पर मैंने गड़बड़ बहुत करी स्टार्टिंग okay. में okay. मुझसे गलतियाँ हुई हैं हाँ. और uh, काफी गलतियां हुई हैं okay. गलत uh, गनाश डाल दिया हार्ड केक दे दिया जस्ट hmm. बिफोर uh, uh, किसी के ओकेजन पे uh, uh, केक गिर गया और uh, मुझसे और ये गलतियां होती थी स्टार्टिंग में हुई हैं बिल्कुल हुई हैं माफी मांगनी पड़ी है क्लाइंट से बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी है पूरा पैसे वापस करने पड़े हैं गलतियां तो बहुत करी हैं बट उन गलतियों से सीखा है बट मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि बहुत ध्यान से काम करो hmm. क्योंकि आप जब केक्स ना सर आ, हमेशा ज्यादातर किसी चीज के को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्डर किया जाता है hmm. तो यानी कि आप किसी की खुशी का हिस्सा हो hmm. तो इतना बेस्ट दो कि किसी की खुशी खराब ना हो wow. तो उसके लिए मेहनत तो करनी है केयरफुल होना भी बड़ा जरूरी है देकुण क्योंकि देकुण। कोई अपनी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए उस केक का वेट कर रहा है hmm. मैंने ना सर कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं केक लेके कहीं पर गई हूँ खुशी एकदम लोगों के चेहरे पे बच्चे उछलने लग जाते हैं जब उनका केक आता है right. तो वो लोग जैसे केक का वेट कर रहे हैं hmm. अब ऐसे में कहीं पर केक अगर गिरा दूंगी मैं किस मुंह से जाऊंगी वहां right. पर सो आई टेल एवरीबॉडी दैट यू नीड टू बी आप ऑर्डर लेने तक और केक बनाने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है केक पहुंचाने तक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है hmm. क्योंकि अल्टीमेटली किसी की ओकेजन खराब नहीं होनी Correct. चाहिए है. तो right. वो मैंने वक्त से सीखा है जब खुद से गलतियां हुई तो फिर अब बहुत केयरफुल रहती हूँ ग्रेट या Uh, very interesting conversation, Mega. Thank you so very much for Thank taking you. your time. Thank you. For Thank talking you so much. Us. Thank you. Thank you.